बिहार में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर तो चर्चा काफी हो रही है, लेकिन बीजेपी के सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं हो रही। यही वजह है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एनडीए के बीच सीट बंटवारे को लेकर सवाल उठाया है। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहती है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली की। सानू गरीबों का जीवन का स्तर जिड़ा जीवन उच्चा पद्धर किमें चक सकते हैं, ये साड़ियाँ प्रायोरिटीज़ ने। मेरे ते यकीन तुसी कीता तो यकीन रखियो, मैं थोड़ा यकीन कदे टुटन नहीं दूंगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे संबंधों को लेकर तो खूब चर्चा होती है, लेकिन एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा नहीं होती। तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी। एक एक हम आपसे पूछना चाहते हैं महोदय, आपके चैनल से पूछना चाहते हैं कि बीजेपी कितना सीट पर बिहार में चुनाव लड़ रही है, एनडीए में क्या सीट शेयरिंग तय हो चुका है, आप बताइए ना भाई। तो आपकी चिंता यहाँ क्यों होती है, वहाँ क्यों नहीं होती है भाई? तो आप अरे आप वो हमारे बीच की बात है ना, हम लोग सब लोग सम्मानजनक सीटों पर लड़ेंगे। जदयू लड़ेगी जहाँ वहाँ आरजेडी भी लड़ रही है, मतलब समझ रहे हैं, हम जदयू के साथ हैं, जदयू हमारे साथ है मजबूती के साथ। ये महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, और नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग जो है काम कर रहे हैं। तो आप लोग बड़ा ऑफर मिला है नीतीश कुमार को, कुछ भी हो सकता है। अरे भैया आप लोग बहुत जानकार हैं, क्या ऑफर है यो बता दीजिए। अमित शाह ने दरवाजा खोल दिया तेजस्वी जी, अमित शाह ने कहा आप ही लोगों को बता के खोले होंगे। मैं उन्होंने ये आप लोगों का काम है, ये आप लोग जो है अलग अलग विषय पे चलाते रहिए, व्यू पाते रहिए। नहीं ऑल इज वेल, लेकिन 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 एक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी आपका एजेंडा आपका तो सेट हो जाता है। आपको तो कोई मतलब है नहीं किसी चीज से। बीजेपी के सहयोगी दलों में सीट बंटवारे को लेकर बेचैनी है। यही वजह है कि चिराग पासवान के साथ जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने मुलाकात की है। बिहार में एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के सामने 4 सीटों पर दावेदारी पेश की है। कुशवाहा ने कराकाट, जहानाबाद, सीतामढ़ी और झंझारपुर या सुपौल में कोई एक सीट की मांग की है। वहीं चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने 6 लोकसभा सीटें और एक राज्यसभा सीट की मांग की है। चिराग पासवान ने 2014 और 2019 की तर्ज पर एनडीए में सीटों की डिमांड की है। वहीं चिराग पासवान हाजीपुर सीट पर दावा ठोक रहे हैं। इधर पशुपति पारस गुट भी हाजीपुर सीट पर दाम लगा रहा है। वहीं मुकेश सैनी से भी बीजेपी आलाकमान की बातचीत चल रही है। मुकेश सैनी मुजफ्फरपुर सीट पर दावा ठोक रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें खगड़िया की सीट देना चाह रही है। वहीं जीतन राम मांझी भी गया सीट पर अपनी दावेदारी जता रही हैं। मीडिया में ज्यादा चर्चा केवल महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर हो रही है, लेकिन साफ है कि बीजेपी को भी अपने सहयोगों को संतुष्ट करना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।